हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय ममतेश सर हम ट्वेल्थ क्लास में ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चैप्टर के टॉपिक पर आज हम पहुंचे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है अब इसमें दो कंडीशन बनती है वैसे तो तीन कंडीशन हो जाती हैं तो हम तीनों कंडीशनों को देखेंगे इस पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट है हमारा एट अ पॉइंट ऑन द एग्ज लाइन कहने के लो डायपोल की एक एग्ज लाइन होगी उस एग्जियल लाइन पर कोई हम पॉइंट कंसीडर करेंगे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो देखिए दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल हैव चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल टू एल मिड पॉइंट ओ तो ए से ओ की डिस्टेंस एल और ओ से बी की डिस्टेंस क्या होगी एल दिस इज एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन ये एक्सेल लाइन है एक्जेल लाइन पर हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर कर रखा है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम देखते हैं यहां पर देखो डिस्टेंस सारी हमने मेजर कर रखी है यहां से यहाँ की डिस्टेंस की स्मॉल आर है तो ए से की डिस्टेंस क्या होगी आर प्लस एल और बी से की डिस्टेंस क्या होगी आर माइनस एल तो यहां पर हम फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी प्ती� पर तो सबसे पहले हम माइनस क्यू की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी डी टू आप माइनस क्यू चार्ज तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में मतलब आपको इसी में सारी वीडियो मिल जाएंगे हम वीडियो को ऐड कर रहे हैं तो हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ई टू वन अपॉइंट फोर क्यू अपॉन आर स्क्वेयर वट इज आर पॉइंट एंड चार्ज डिस्टेंस तो ई वन इजकल टू क्या होगा वन अपॉइंट फोर पा एफ नॉट क्यू अपन चार्ज यहाँ पर है पॉइंट यहाँ पर है तो ए पी का स्क्वायर और ए पी का स्क्वायर क्या होगा हमारा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द चार्ज ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो ई वन हो गया ये हमारा अब सिमिलरली इंटेंसिटी एट पॉइंट पी डी टू प्लस क्यू चार्ज इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा ई टू इज टू वन अपॉन फोर फाइव एप्स नोट इंटू क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर और वॉट इज बी पी आर माइनस एल तो हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर तो ई टू इज टू वन अपॉइन फोर फाइव एप्स एलो क्यू अपन आर माइनस एल का स्क्वायर अब इसकी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी अवे फ्रॉम द पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी अब हमें पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ई वन और ई टू दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं किसी भी डायपोल के लिए यह डायपोल है आपका यहाँ पर कोई पॉइंट पी है या माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज तो माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और प्लस चार्ज के लिए डायरेक्शन हमारी ये थी तो पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या आएगा ई वन माइनस ई टू या ई टू माइनस ई वन आएगा देखो ई टू है इसकी वजह से तो इसकी जो डिस्टेंस कम है और इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी डिस्टेंस कम होने पर ई टू लार्ज होगा और ई वन क्या होगा इस्म तो क्या लिखेंगे ई इजकल टू ई टू माइनस ई वन ई टू की वैल्यू पुट करेंगे कॉमन ले लिया हमने जो बचा ब्रैकेट में लिख लिया अब ब्रैकेट में ये दोनों एलसीएम का एल्शियम काम करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है अब इनको सॉल्व करेंगे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजकल टू वन पॉइंट फोर फाइव क्यू हमने ब्रैकेट को ओपन किया है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा एल से एल स्क् तो हमारा क्या बनेगा फोर आर एल तो ई स्क्टर टू वन अपॉन फोर पाई एप्स क्यू इन टू फोर आर एल अपॉन आर स्क्र माइनस एल स्क् वन अपॉन फोर फाइव एप्सनोट क्यू इस फोर को हमने टू इंटू टू फॉर में लिख लिया है टू इंटू टू ठीक है तो क्यू इंटू टूल इंटू टू आर अपॉन आर स्क्र माइनस एल स्क् का होल स्क्वायर अब क्यू इंटू टूएल क्या होता है हमारा P तो इसकी जगह पे हम P पुट कर देंगे वन अपॉन फोर फाइव एपसलोन अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अब इस डायपोल में हम क्या करेंगे एल वाला जो टर्म है आर के रेस्पेक्ट में वेरी वेरी स्मॉल आर ग्रेटर देन एल तो आर स्क्वायर ग्रेटर ग्रेट देन ग्रेटर देन एल स्क्वायेयर जब आर का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा क्योंकि ये जो वैल्यू होंगी ये वन सेंटीमीटर से एल जो होगा जो वन सेंटीमीटर बहुत कम होगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा सो हम क्या करेंगे इस एल स्क्वायेयर के टर्म को इस इक्वेशन से निग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा वन अपॉइंट फोर पाइव नोट टू पी आर यहां एल स्क्वायर को हमने स्क्ट कर दिया तो आर स्क्वायर इन टू स्क्वायर क्या होगा आर की पावर फोर आर से कैंसिल करेंगे आर की पावर थ्री बचेगा नीचे तो ई e स्कल टू क्या कहन अपॉइंट फोर पाई एफ से टू पी अपॉन आर क्यू अगर हम ई की डायरेक्शन देखना चाहें इसमें तो डायरेक्शन क्या होगी अभी आपने देखा था कि E2 की डायरेक्शन सॉरी E2 हमारा लार्ज था E1 हमारा क्या था स्मॉल था तो नेट इलेक्ट्री की जो डायरेक्शन आएगी वो किस साइड में आएगी आपकी इस साइड में आएगी तो वही लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ ई इज अवे फ्रॉम द पॉइंट एलोंग बी पी तो ये आपका बी था और यहाँ पॉइंट क्या था आपका पी था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर किदा, है बी टू पी या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एलोंग वेक्टर पी क्योंकि वेक्टर पी की डायरेक्शन किधर होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर आ रही है माइनस क्यू टू प्लस क्यू कहने के मतलब पी के अलोंग ही आ रही है आपकी डायरेक्शन पॉइंट पी प्यों पर आपका सेकेंड डेरीवेशन है एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना है वो इक्वेटोरियल लाइन पर फाइंड करना है ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू ये इक्वेटोरियल लाइन है इसकी ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ एल ये लेंथ एल क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ होती है हम टू एल कंसिडर करते हैं तो पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो माइनस क्यू ए पॉइंट को पी से और बी पॉइंट को पी से मिलाया मिड पॉइंट से डायपोल के मिड पॉइंट से जो पॉइंट पी लिया है उसकी जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो कितनी स्मॉल आर तो अब देखिए ये आपका अगर इसको हम एंगल थीटा ले लेते हैं तो एंगल भी ये भी क्या हो गया थीटा क्योंकि ये साइडें इक्वल है अगर ये एल है ये आर है तो ये हाइपोटेनियस बना अंडर रूट आर प्लस एल स्क्वायर सिमिलरली ये भी होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो दोनों साइड इक्वल हैं तो साइड के आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल आमने सामने साइड क्या होंगे साइड के आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे इक्वल ये थीटा तो ये थीटा अब हम क्या करते हैं पी पॉइंट पर एक एक्स एक्सिस एक एक और एक बाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्स डैश बाई बाई अब हम माइनस क्यू की वजह से पी पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे वन अपॉइट फोर पाई क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर तो ए पी की जगह क्या है अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इक्वेशन में ए पी का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो ई e आपका क्या बचेगा ईवन ई वन इजकल टू वन अपॉन फोर फाइव नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सिमिलरली ई टू भी इतना ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है चार्ज सेम है तो निगेटिव चार्ज के लिए पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी चार्ज की तरफ e1 और पॉजिटिव q चार्ज की वजह से p पर जो e2 की जो डायरेक्शन होगी वो p से दूर की ओर अवे फ्रॉम द पॉइंट e2 ये एंगल थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा ये थीटा है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा कंजुगेट एंगल थीटा हो जाएगा अब e1 के कंपोनेंट करो यहाँ पे थीटा की तरफ क्या ब्रेक होगा ये e1 cos थीटा इसके परपेंडिकुलर क्या होगा e1 sin थीटा e2 का करो थीटा की तरफ ई टू कॉस्टिटा इसके परल्यू सेम थी तो होंगे हो तो वो किसकी वजह से आएगा इन कॉस्थीटा और इ टू थीटा और कोस थीटा। दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो, तो इन दोनों कंपोनेंट को हमें क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा वही हमारा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल देखिए वही चीज है ई वन ई वन हमने फाइंड कर लिया था ई टू फाइंड कर लिया था हमने बताया था और ये भी बताया था E1 और E2 इक्वल हैं तो E1 वन साइन थीटा ई टू साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे तो E1 वन थीटा E2 टू थीटा मिलकर के क्या देंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे एट पॉइंट पी तो ईवन कॉस्थीटा प्लस ई टू थीटा इक्वल टू क्या है ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन और ई टू इक्वल हैं तो यहां पर ये यह टर्म क्या हमें देगा टू ईवन थीटा कीपिंग द वैल्यू ऑफ ईवन एंड कॉस्थीटा ईवन की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा टू इवन की वैल्यू क्या है वन पॉइंट फोर पाइव क्यूपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अब हम थीटा की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी डायपोल में डायग्राम से ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल था माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और ये एक लाइन थी डायपोल की पी पॉइंट ये एंगल आपका थीटा था यह भी थीटा था और यह मिड पॉइंट था ओ एल और यह कितना था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोच थीटा स्कल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो ये तो बेस हुआ और ये हाइपो टेनिस हो, ये परपेंडिकुलर तो कॉस् थीटा स्कल टू तो क्या पुट करेंगे एल अपॉन अंडर रूड आर स्क्वा प्लस एल स्क्वायर बेस अपॉन यही फार्मूला हम यूज करेंगे और कॉस् थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस् थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर ये लिखी भी है एल अपॉन अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायेयर तो ई स्कल टू तो क्या हो जाएगा हमारा वन अपॉन फोर पाई ऑप्शन नोट क्यू इंटू टू एल अपॉन देखो यहां पर पावर वन है यहाँ पर पावर क्या है 1 by 1 और 1 by तो कितना थ्री बाई टू तो हमारा ई क्या फाइंड होकर आया ईज कल टू वन अपॉन फोर फाइ एफ सर नोट क्यू इन टू टू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थ्री बाई टू अब हम बी नो दैट सिंस

इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी अब यहां पे देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो जो हमने कंपोनेंट ऐड किए तो वो ये किए थे इधर साइड वाले ई वन थीटा और ई टू साइन थीटा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर आएगी इसी के अलोंग और पी की डायरेक्शन किधर होती है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज पी की डायरेक्शन तो पी की अपोजिट डायरेक्शन में ही हमें क्या मिलता है इक्टोरियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है हमें डायरेक्शन ऑफ ई इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ये हमारा एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू इसके मिड पॉइंट ओ से आठ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अच्छा ये जो लाइन जो है इलेक्ट्रिक डायपोल से कितना एंगल बना रही है थीटा तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा पी की डायरेक्शन की तरफ होगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू ये दिखाई गई है अभी इस पी के कंपोनेंट करेंगे हम कंपोनेंट करेंगे तो थीटा की तरफ क्या होगा पी कोस थीटा इसके परपेंडिकुलर क्या होगा पी साइन थीटा तो इस थीटा और पी की वजह से दो डायपोल और बने एक बना जिसका डायपोल मूवमेंट है पी कोश थीटा एक का है पी साइन थीटा इस डायपोल के लिए ये पॉइंट एक्सिल लाइन का काम करेगा और ये वाला जो है ये एक डायपोल है ये इस डायपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन का काम करेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ई वन और ई टू फाइंड करेंगे तो पी थीटा ये एक, ये क्या है लाइन है इस पी थीटा डायपोल के लिए तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इस साइड में मिलेगी E1 और इसके लिए जो मिलेगी E2 P के अपोजिट मिलती है पी साइन थीटा की डायरेक्शन इधर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर मिलेगी एक लाइन के लिए जब हम ई वन और ई टू को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ई e आ जाएगा अगर हम ई e, जो रिजल्टेंट ई e है किस किस का ई वन और ई टू का अगर ये ई वन से अल्फा एंगल बना रहा है तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे वो ये निकल के आएगा ई e इसल टू वन अपॉइन फोर फाइव रोट पी अपन आरक्यू अंडर रूट थ्री को स्क्वायर थीटा अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता करनी है ई वन से कहा से ई वन से तो टेन अल्फाइन स्कल क्या निकल के आएगा तो यहां पर हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से तीन कंडीशने निकल करके आई हैं अब हमारा टॉपिक है टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डायपोल इन एना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा बनाते थीटा एंगल बनाते हुए रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क अप्लाई होने लगता है टॉर्क का काम क्या होता है घुमाना रोटेट करना तो यही हमें फाइंड करना है कि टॉर्क को घुमाने के लिए टॉर्क सॉरी डायपोल को घुमाने के लिए कितना टॉर्क आएगा तो ये दिस इज या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन दिखाई रही है वेक्टर ई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू हैव चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू डायपोल लेंथ इज टू एल कितनी टू एल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए थीटा रखा हुआ है अब टॉर्क तो तभी जनरेट होगा जब हमारे पास फोर्स होंगे तो प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट जो होती है वो प्लस से माइनस होती है तो इस साइड प्लस है इस साइड क्या है माइनस तो माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा माइनस जो है किसे अट्रैक्ट करेगा प्लस क्यू को तो इधर एक फोर्स अप्लाई होगा प्लस क्यू पे इधर है पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज किसे अट्रैक्ट करेगा माइनस क्यू को तो माइनस क्यू पे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लो फोर्स अप्लाई होता है क्यू ई अब हम टॉर्क की बात करते हैं टॉर्क इज कल टू होता है अदर फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी बिटवीन पैरेलल फोर्स Q ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे के पैरल है तो इनमें से किसी भी एक की वैल्यू हम ले लेंगे वो क्या होगी क्यू ई और ये पैरल फोर्स की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी ट्वेल्व साइन थीटा कैसे ये आपका थीटा है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर यापोटेनियस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में साइन का रूल लगता है तो साइन थीटा एजकल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर स्कल टू क्या होगा तो हाइपोटेनियस कितना तो आ गया तो हम क्या लिखेंगे? पी हमारा बचा क्या ई साइन थीटा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया pe साइन थीटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर इसमें साइन थीटा आ रहा है तो पी और ई के बीच क्या लगेगा क्रॉस अगर कॉज आता तो क्या लगता डॉट तो क्रॉस लगेगा पी और ई के बीच में तो ये टॉर्क भी क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी क्योंकि क्रॉस तो वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्मूले में ही आता है तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा इसका वेक्टर टॉर्क इजकल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई अब इसमें हम केस देख लेते हैं इफ थीटा इजकल टू जीरो जब यहां पर थीटा इजकअल टू जीरो पुट करोगे तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो टॉर्क आपका कितना आएगा जीरो तो ये है मिनिमम वैल्यू और इसे बोलते हैं स्टेबल इक्ली वीरियम थीटा नाइनटी पुट करते हो तो साइन नाइनटी कितना होता है टॉर्क टू कितना आएगा पी साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन तो थीटा नाइनटी रखने पर टॉर्क हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम टॉर्क स्क्ल टू पी ई थीटर वन एट्टी रख रहे हैं तो टॉर्क जीरो होगा क्योंकि साइन वन एट्टी कितना होता है जीरो तो इस कंडीशन में बोलेंगे द डायफुल इज एन इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म में जो डायपोल रखा होता है उस पर हम वर्क डन कितना कर सकते हैं कितना हो सकता है देखिए वेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया हो तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सप्रेंसिस टॉर्क उस पर क्या काम करेगा टॉर्क एंड टेंग इट इन सच अ वे टू अटेन एस्टेबल इक्विबीरियम जो टॉर्क होगा उसे क्या करेगा रोटेट करेगा जब रोटेट होगा तो वहां पर क्या होगा वर्क होगा तो उसी वर्क की हम बात कर रहे हैं वही हम फाइंड करने वाले हैं तो हम पहले हम बात करते हैं स्मॉल वर्क के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रो अ स्मॉल एंगल डी टीटा अगेंस्ट द टॉर्क अगर हम टॉर्क के अपोजिट डी थीटा एंगल से उसे रोटेट करते हैं थीटा का मतलब स्मॉल एंगल जब डी थीटा स्मॉल हम रोटेट कर रहे हैं तो वर्क भी हमें क्या मिलेगा स्मॉल तो क्या आएगा डी डब्ल्यूक्ल टू टॉर्क डी थीटा डी डब्ल्यू इजकल टू टॉर्क की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं पी साइन थीटा डी थीटा टोटल वर्क डन रोटेटिंग द डायपल फ्रॉम ओरिएंटेशन थीटा वन टू थीटा टू अब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट कर रहे हैं अभी स्मॉल अमाउंट हमने रोटेट किया था डी थीटा अब रेंज ले रहे हैं हम थीटा से थीटा टू तो लिमिट हम कहाँ से कहाँ रखेंगे थीटा वन टू थीटा टू तो टोटल वर्गडन क्या होगा इंट्रीगेशन डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा इंट्रीगेशन और इंट्रीगेशन होगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक थीटा वन टू थीटा टू स्कल टू थीटा वन टू तो थीटा टू लिमिट है इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है ई साइन थीटा डी पी ई कॉन्स्टेंट है तो हम बाहर ले लेंगे भी रहता डी थीटा साइन थीटा का थीटा वन टू थीटा टू अब हमने जिसका इंटीग्रेशन किया है उसकी जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे थीटा टू माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे थीटा वन तो डब्ल्यू इज टू क्या पीई तो माइनस कोज थीटा टू माइनस कोज माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा वन तो टू क्या आएगा पीई माइनस माइनस क्या होगा cos theta और टू दिस इज अ वर्क डन रोटेटिंग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हम वर्क डन कर रहे हैं टॉर्क के अपोजिट वो ही डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बनेगी U इजकल टू डब्ल्यू इजकल टू पी ब्रैकेट में थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को 90 डिग्री से 0 डिग्री तक तो रोटेट कर रहे हैं तो W इजकल टू कितना आएगा थीटा वन कितना पुट करो यहाँ पे 90 माइनस थीटा कितना करो जीरो कॉस 90 क्या होता है हमारा जीरो तो क्या बच्चा माइनस कॉस जीरो कॉस जीरो कितना होता है वन तो ये माइनस वन हो गया माइनस वन का पी में मल्टीप्लाई कर दो तो डब्ल्यू इज कल टू क्या आ गया हमारा माइनस पी ई